नहीं नहीं सामने भैया लोग दोस्तों, ये परिवार दिन के 1:30 बजे से परेशान है और अभी रात के 10 बज रहा है। बिलासपुर से करीब 10 किलोमीटर दूर पिंडारी गांव में आए हुए हैं और आप देख सकते हैं फैमिली बहुत डरी हुई है। मैं कमल चौधरी, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत करते हैं। तो चलिए सांप को देखते हैं कि कहां पर है, बेडरूम में है कि कहां पर है। उस सांप को सही सलामत रेस्क्यू करते हैं, उस परिवार को डर से बाहर करते हैं। दोस्तों, जिस तरह से इन्होंने बताया था कि ये बेडरूम में यहाँ सोते हैं और जाहिर सी बात है, हमने जैसे आके पता किया है कि यहाँ हस्बैंड वाइफ सोते हैं और साथ में छोटा बच्चा है, तो बहुत ही खतरनाक दृश्य है। और सबसे बड़ी बात है कि आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं दिखाना चाहूँगा कि जिस तरह से इन लोग कह रहे हैं कि 1:30 बजे से परेशान है, यहाँ पर ये देखिए कि इन लोगों ने डर के मारे, लोगों में ये प्रथा है कि ये घर में टायर जलाइए, धुआं करिए, सांप भाग जाएगा, तो ये गलत बात है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और इसी चक्कर में घर में कोई बड़ा हादसा हो जाएगा, घर में आगजनी हो जाएगा, तो प्लीज़ ऐसा ना करें। चलिए देखते हैं सांप कहाँ पर है। इस पर नीचे से लेना पड़ेगा। दोस्तों देखिए, बिग साइज का कोबरा बैठा हुआ है और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ बेड है और बेड के सिराने में नीचे बैठा हुआ रेक के नीचे, तो अगर ये देखते नहीं तो बहुत बड़ा हादसा हो जाता। हाँ, नहीं नहीं सामने भैया लोग दोस्तों देखिए, हमें कुछ नहीं दिख रहा है, एक अंदाजा काम करना पड़ रहा है। आइए महाराज, आइए आइए आइए, आप गलत जगह पे आ गए थे। बस 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 बस, कैसे भगेगा दोस्त। दोस्तों देखिए, कितना कंजेस्टेड प्लेस था और ये बिस्तर था, बता रहे थे कि इसी बिस्तर में सांप घूम रहा था, और तो किस्मत अच्छा है कि इन्होंने सांप को देख लिया। एक जहरीला नाक साक्षात मौत, और ये अगर काट दे और सही टाइम में इलाज ना मिले तो मौत निश्चित है। और हम लोग की यही कोशिश रहती है कि अपनी जान पे खेल के लोगों को बचाना और इस जीव को भी बचाना, लेकिन बड़ा ही सुंदर सांप है और इसीलिए इसे शंकर जी के गले का हार मानते हैं और इसीलिए भोलेनाथ के गले में भी ये विराजमान रहते हैं, क्योंकि सांपों में बहुत सुंदर और विशेष करके इसके फन की वजह से बड़ा मनमोहक सुंदर दिखता है, लेकिन इसकी सुंदरता पे मत जाइए, बहुत खतरनाक है, इसे छुए तो सीधा ऊपर गए। तो दुआ करिए, और हमें मालूम है, मुझे और आरती के साथ आप सब सब्सक्राइबरों का और हमारे चैनल को जो फॉलो करते हैं, हमें प्यार करते हैं, आप लोगों की दुआएं हैं तो हमें कुछ नहीं होगा। जिस दिन जाना रहेगा तो आप लोग को छोड़ के चले जाएंगे। पहली बार इसने उसको देखो ना, लंच में जो बच्चा कितने साल का है, 10 महीने। ओहो, 10 महीने का एक बच्चा है, तो कितना बड़ा हादसा टल गया है। और नाग महाराज मुझे भी देख रहे हैं, लेकिन मैं आपको प्रणाम और नमन कर रहा हूँ, आपकी वजह से मेरी उंगली ऐसा हो गई है, तो प्लीज वो ओरिजिनल नाग है और ये डुप्लीकेट नाग है मेरा हाथ, और यही महाशय ने मेरे हाथ को ऐसा किया है। तो चलिए, आप फुस करोगे, मैं भी फुस करूंगा, तो
देखिए कैसा हमला करता है, इसे अगर छुएंगे और ये अपने बचाव में, इसकी एक ही विशेषता होती है, जब भी ये सांप इस तरह से कुंडली में आ जाए, फन में आ जाए, तो अपने पूंछ को अपने पास रखता है ताकि आप उसे छू ना सके। अगर आप उसे छूने जाएंगे एक डिफेंसिव मोड में तो फट से हमला करेंगे। देखिए ये देखिए, ये इसका यही खूबी है। और ऐसे भी नागिन बहुत खतरनाक होती है, और ये नागिन है लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। चलिए भैया अब हम लोग चलते हैं। भैया नहीं बहन। अच्छा बहन, चलिए बहन हम लोग चलते हैं। देखिए उसका पूरी नजर मेरे हाथ पे है और सीधा हमला करने के चक्कर में। ये देखिए देखिए देखिए, अच्छा गली में भाग भी नहीं सकता हूं। चलो 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 चलिए आइए। चूहा वह पकड़ रहा था मुझे। वो यार फोरेट डाली इसकी वजह से तो नहीं है? नहीं, हमें भी चूहा वह पकड़ रहा था। दोस्तों फाइनली रेस्क्यू हो गया और बड़ा मजा आता है किसी मुसीबत आए परिवार की हेल्प करके, और दूसरी बात किसी जीव की जान बचा के। 8-10 घंटे से जो परिवार परेशान था और डरा हुआ था, उनको इस डर से हम निकाल दिए बाहर। और लास्ट में बरसात के मौसम को देखते हुए मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों, भगवान ना करे आप लोगों के साथ कोई हादसा हो, अगर हादसा होता भी है तो घबराइए मत और जल्द से जल्द हॉस्पिटल जाइए, क्योंकि आपकी जान सिर्फ डॉक्टर ही बचा सकता है और सांप के जहर से बना इंजेक्शन एंटीवेनम। इसी तरह से हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी, किसी परिवार को सेव करते, किसी जीव को सेव करते हैं। तब तक के लिए अपना और अपना परिवार का ख्याल रखिएगा इन खतरनाक जीव से। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम। Turn it on the phone.